एनर्जी को बचाने के लिए दुकानों को और कमर्शियल सेंटर्स को 8 बजे बंद होना चाहिए, जो पुराने बल्ब हैं उनको ख़त्म करके LED लाइट्स पे स्विच किया जाए। ये वो ऐसे इकदाम हैं कि जिससे हम सालाना $1 अरब की बचत कर सकते हैं। हुकूमत का तवानाई बचत प्लान, रात 8 बजे बंद होगी हर दुकान। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का रात 8 बजे तक तिजारती मराकज़ बंद करने का ऐलान। एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाज़ेह किया, रात 12 बजे तक तिजारती मराकज़ खुले रखना अफोर्ड नहीं कर सकते। बहरान से निपटने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन पॉलिसी पर अमल दरामद किया जाएगा। फैसले का नफाज 1 जुलाई से होगा। ताजरों ने मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला नाकाबले अमल करार दे दिया। चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर कहते हैं कि मामले पर सूबाई हुकूमतों को ताजर नुमाइंदों के साथ बिठाया जाए। क्या हुकूमत बिजली महंगी खरीद कर महंगे खरीदार की बजाय सस्ते खरीदार को फरोख करेगी? सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच कहते हैं कि हुकूमत 8 बजे दुकानें बंद करने का फैसला वापस ले। गर्मियों में दुकानें रात 8 बजे किसी सूरत बंद नहीं करेंगे। हर हुकूमत दुकानें रात 8 बजे बंद करने की नाकाम प्रैक्टिस कर चुकी है। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी ने तवानाई बचत प्लान को नाकाम बचत प्लान करार दे दिया। कम से कम दुकानें खुली होनी चाहिए, कारोबार पहले फ्लॉप है, हर बंदा परेशान है। आजकल हालात ऐसे हो गए हैं कि रोजी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। कारोबार चलता रहेगा तो हमारे भी रोजी बंदी जाएगी। 8 बजे हम जाके घर क्या करेंगे, कहाँ से खर्चे निकालेंगे? तिजारती मराकज रात 8 बजे बंद करने का फैसला, दुकानदार और शहरी नाला कहते हैं पहले ही महंगाई की वजह से काम ना होने के बराबर है, अब दुकानें जल्द बंद करने की वजह से मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट में समाअत दिन 11:30 बजे होगी। दरखास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स रिव्यू एक्ट को कालअदम करार देने की इस्तदा की। मौकफ अपनाया, अदालत के आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल के हवाले से तसल्ली बख्श नकाद शामिल हैं। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ आए तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ के साथ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त वापस कर दी। कहा कि दरख्वास्त में ये नहीं बताया गया कि कौन से अवामी मफाद का इशू है। अदालत के आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल के हवाले से तसली बख्श नकात शामिल नहीं। दरख्वास्त गुजार की जानब से जारी नोटिस केस की वजाहत नहीं करते। दरख्वास्त गुजार ने किसी दूसरे फॉरम पर अप्रोच किया, न वजाहत दी। आइन के आर्टिकल 248 के तहत वजीर आजम और वज़ीरे आला को फरीक नहीं बनाया गया। हकायक जाने बगैर जजेस की तस्दीक की गई। जस्टिस उमरता बंदियाल के ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ समाअत में रिमार्क्स। कहा कि इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत न करे। चीफ जस्टिस के होते हुए इख्तियारात किसी और को तफवीज नहीं किए जा सकते। जज पर इल्जामात लगाकर बेंच से अलग होने का नहीं कहा जा सकता। जानिबदारी का इल्जाम वाहिद दस्तयाब फॉरम पर नहीं लग सकता। जज को तौहीन अदालत की दरखास्त में फरीक नहीं बनाया जा सकता। मजीद कहा कि क्या हुकूमत ने मालूम किया कि ऑडियो रिकॉर्ड कहाँ से और कैसे हो रहे हैं, कौन ये सब कर रहा है? अटॉर्नी जनरल ने मफाद के टकराव वकील की अहलिया और चीफ जस्टिस की सास की मुबैना ऑडियो का हवाला दिया। दलाइल दिए मफादात का टकराव हो तो जजों को बेंच से अलग हो जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बताना होगा कि इस बुनियाद पर फर्ज कर लिया 3 जजों का मफाद का टकराव है। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा, कॉल्स कैसे रिकॉर्ड की गई, कमीशन तमाम अवामिल का जायजा लेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, यह ऑडियोज मुसद्दका हैं या नहीं हुकूमत खुद भी नहीं जानती। एक ऑडियो पर वजीर दाखला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या गैर मुसद्दका ऑडियो की बुनियाद पर बेंच पर एतराज उठाया जा सकता है? बगैर तस्दीक किए ऑडियो पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वजीर को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अदालत ने बेंच पर एतराजात से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। जुडिशल कमीशन के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसी। चेयरमैन PTI ने 9 मई को मुल्क में बगावत की नाकाम कोशिश की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा कि अब सरबराह तहरीक इंसाफ अपने हामियों और अमरीकी लॉबी के जरिए पाकिस्तान पर इक्तसादी और दिफाई पाबंदियां लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रियासत के खिलाफ बैरूनी अनासर के साथ मिलकर एक नई बगावत की इब्तदा है।
बगावत को और सरकशी को सियासी एहतजाज का नाम लेके माफ नहीं किया जा सकता। ये चीजें जो हैं ये आर्मी एक्ट के तहत नहीं आती, ये उनकी रिकवरी जो है अगर आर्मी एक्ट 1952 के तहत नहीं होगी तो क्या फिर ट्रैफिक चालान के तहत होंगी। 9 मई को बगावत और सरकशी की गई, सियासी एहतजाज कहकर मुआफ नहीं किया जा सकता। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्ला का बाग आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब, बोले कि हमलावरों ने हसास मालूमात को चुराया और आग लगाई। आर्मी एक्ट न लगाया तो कल को वही हसास दस्तावेजात हमसाया मुल्क से मिल रही होंगी। शरपसंद जिना हाउस का गेट तोड़कर दाखिल हुए, लूट मार करके आग लगाई, उन्हें बगावत का हिसाब देना होगा। कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत नहीं तो क्या ट्रैफिक एक्ट के तहत होगी। एक शख्स ने इदारों पर हमले किए, मुल्क में नफरत और इंतशार की सियासत को फरोग दिया, मनसूबाबंदी के तहत पूरे मुल्क में आग लगाई गई। ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकते, तभी होंगे जब मैं कराऊंगा। आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर से बातचीत, कहते हैं कारकुन सब्र करें, वो फल मिलेगा जिसका उन्हें अंदाजा ही नहीं। सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, मुल्क की मईशत को संभाल कर ज़र मुबादला ज़खायर 100 अरब डॉलर तक पहुँचाएंगे। फौज का बड़ा खर्च नहीं, उस पर खामखा प्रोपेगेंडा किया जाता है। साबिक सदर जरदारी से, साबिक रुकने सिंध असम्बली सिकंदर शोरो और सरदार कामो खान की भी मुलाकात, पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। कारकुनों से कहता हूं कि आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल से रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि कल चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात और मीडिया से गुफ्तगू भी करूंगा। 1 माह कैद तन्हाई में बहुत कुछ सोचने का मौका मिला, वो कैद तन्हाई में होकर कैसे किसी को उकसा सकते हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रोसिक्यूशन के पास ठोस वजूहत नहीं थी। कैद के दौरान फैमिली ने बहुत साथ दिया, केस लड़ा और अदालतों में सरफरू हुए। कारकुनों से कहते हैं कि आजमाइश का वक्त है, हौसला रखें, जेलों में बहुत से बेगुनाह लोग हैं, उनको रिहा होना चाहिए। पीटीआई को एक और बड़ा धचका, प्रिंस बहावल अब्बासी ने भी राहें जुदा कर ली। बहावल अब्बासी कहते हैं कि सियासी मुस्तकबिल का फैसला दोस्तों से मुशावरत के बाद करेंगे। पाकिस्तान के इस्तेहकाम की खातिर उनके परदादा ने रियासत बहावलपुर के खजाने खोल दिए थे। अपने खानदान की कुर्बानी को मद्देनजर रखते हुए 9 मई के वाकयात की पुरजोर मजम्मत करते हैं। FIA ने मोनिस अलही के खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी। मुकदमा दर्ज, मुकदमा रिश्वत सतानी और मनी लॉन्ड्रिंग के दफात के तहत दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मोनिस अलही ने बतौर वफाकी वजीर आबी जखायर अरबों की करप्शन की, करप्शन और रिश्वत सतानी से कमाई गई रकम की लॉन्ड्रिंग की। मोनिस अलही ने फ्रंट मैन आमिर सुहेल के जरिए अपनी फैमिली और दीगर के अकाउंट्स में रकम जमा कराई। मुलजम आमिर सुहेल ने जहरा इलाही, मोनिस अलही, अहमद फारान, जैगम अब्बास, बाजिद भट्टी और आमिर फयाज के अकाउंट्स में तकरीबन 121.65 मिलियन जमा कराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास, वफाक और सूबों के लिए नए माली साल की तरक्याती मनसूबों का जायजा। आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट 2,659 अरब रुपये तजवीज़ किया गया। सूबों के तरक्याती मनसूबों के लिए 1,559 अरब रुपये मुख्तस किए जाने की तजवीज़। इक्तिसादी कौंसिल इजलास से कबल पेट्रोलियम और तवानाई से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए आला सतह का इजलास भी हुआ। वज़ीर आज़म का मुल्की IT बरामदाद बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला। वफाकी हुकूमत ने 1,150 अरब रुपये का तरक्याती बजट तजवीज़ कर दिया। सैलाब से मुतासर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 491 अरब रुपये के तरक्याती बजट की तजवीज़। दस्तावेजात के मुताबिक तवानाई के 101 मनसूबों के लिए 102 अरब, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 263 अरब, पानी के 82 मनसूबों के लिए 167 अरब रुपये का तरक्याती बजट तजवीज़ किया गया। मवासलात के लिए 98 अरब रुपये मालियत के 77 मनसूबे तरक्याती बजट में शामिल होंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बजट से पहले आवाम के लिए खसूसी रिलीफ, मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड घी 80 रुपये फी किलो सस्ता, नई कीमत 410 रुपये फी किलो मुकर्रर कर दी गई। हुकूमत के आइंदा माली साल के बजट में 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा जारी रखने का फैसला।
मंसूबे का जिक्र। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में मौजूद मंसूबे के लिए नई हिकमत अमली तैयार की जाएगी। मुतलका सूबों के महकमे जंगलात को साथ मिलाया जाएगा। मंसूबे में खुर्द बुर्द रोकने के लिए इकदाम किए जाएंगे। बैंकों से लिए जाने वाले कर्जों में शफाफियत पैदा की जाएगी। सैलाब के बाईस कपास की पैदावार में 40% कमी हुई। माहिर मईशत डॉक्टर हफीज पाशा की प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज विद मालिक में गुफ्तगू। बोले कि टेक्सटाइल की पैदावार में 25% कमी वाकई हुई। मार्केट में डॉलर के हवाले से मशकूक सरगर्मियां बढ़ चुकी। इंटरनेशनल रिजर्व की वैल्यू मनफी। डॉलर की शदीद किल्लत हो चुकी। IMF के पास गए तो हो सकता है वो कहे कि सियासी जमातों में इत्तेफाक राय पैदा करके आए। जल्द IMF के पास ना गए तो इंटरनेशनल डोनर भी रकम नहीं देंगे। हुकूमत से आवाम के रिलीफ के लिए अच्छा बजट दिए जाने की उम्मीद नहीं। चेयरमैन अंजुमन ताजरान कराची अतीक मीर की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू। बोले बजट के बाद लोगों के सड़कों पर आने और इंतजार के सिवा कुछ नहीं होगा। माहिर मईशत फरहान बुखारी बोले शरह सूद और अफरात ज़र में बहुत ज़्यादा तवाफत है। IFF की दवाई जितनी भी कड़वी हो खानी पड़ेगी। साबिक सदर लाहौर चैम्बर मोहम्मद अली मियाँ बोले IMF के बगैर बजट बनाना बहुत मुश्किल होगा। हुकूमत को नए टैक्स नहीं लगाने चाहिए। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये सस्ता 303 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 37 पैसे का इजाफा 286 रुपये 56 पैसे पर बंद हुई। दूसरी जानब मुल्की ज़र मुबादला के जखायर में 102 मिलियन डॉलर्स की कमी। स्टेट बैंक के पास जखायर 4.9 अरब डॉलर रह गए। कमर्शियल बैंकों के पास 5.4 अरब डॉलर के जखायर मौजूद। मुल्क में ज़र मुबादला के मजमू जखायर 9.51 अरब डॉलर रह गए हैं। बल्दियाती नुमाइंदों की गिरफ्तारी और नज़रबंदी का मामला इलेक्शन कमीशन के खत पर सिंध हुकूमत की कार्रवाई। चीफ सेक्रेटरी ने बल्दियाती नुमाइंदों से मुतालिक महकमा दाखिला को अहकामात जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने 2 जून को चीफ सेक्रेटरी सिंध को गिरफ्तार बल्दियाती नुमाइंदों को पेश करने के लिए खत लिखा था। कहा कि यकीनी बनाया जाए मुंतखब बल्दियाती अरकान वोट के हक से महरूम न रहें। मेयर डेप्यूटी मेयर चेयरमैन वाइस चेयरमैन के इलेक्शन में वोट के अहल हर फर्द को पोलिंग स्टेशन तक लाया जाए।